एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिएगा, बहुत खूबसूरत सा ये बॉर्डर है जिसे कि बच्चों के कपड़ों में भी बना सकते हैं, लेडीज कार्डिगन में भी बना सकते हैं। तो बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैं बनाना बताने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देखें कैसे बनाना है इसको। तो ये देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये चौड़ाई डिपेंड करती है कि हमें स्वेटर जो है किसके लिए बनाना है। अगर हमें बच्चों का स्वेटर बनाना है तब हमें चौड़ाई इतनी लगेगी। ये 4 सिलाइयों का है और ये जो बनाया है ये 6 सिलाइयों का है। तो जैसे टीनेज के लिए बनाना है तब 6 सिलाइयों का ठीक रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चौड़ाई आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत ही सुंदर है और बहुत आसानी से भी बन जाता है। मैं बहुत आसान तरीके से इसको बनाना बताने वाली हूँ, तो आप देखते रहिएगा, पूरी वीडियो आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो अब हम बनाएंगे इससे थोड़ा सा और चौड़ा बनाएंगे, फिर आप देख लीजिएगा कि आपको कितना चौड़ा रखना है, तो उस हिसाब से आप इसकी सिलाइयों का जो है वो हिसाब रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम कास्ट ऑन कर लेंगे। ये देखिएगा, जितने फंदे हमें चाहिए उतने फंदे हम डाल लेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऑड नंबर में लेने हैं या इवन नंबर में फंदे लेने हैं। आपको जितने चाहिए आप उतने फंदे ले लीजिए। और जो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि फंदे जो है हमें वो सिंगल धागे से डालने हैं। ठीक है, एक तो सिंगल धागे से डालने हैं, दूसरा ना बहुत ज़्यादा लूज होने चाहिए ना बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए। तो इस तरीके से फंदे हमें लेने हैं, नॉर्मली जैसे फंदे डालते हैं वैसे फंदे हम डाल लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, सीधी उल्टी करके 8 सिलाइयां बनाएंगे। तो ये जो मैंने बनाया ये 4 सिलाइयों का बनाया है, ये 6 का बनाया है। तो अब मैं 8 सिलाइयों का बनाने वाली हूँ, तो उसमें देखेंगे वो कितना चौड़ा बनेगा। तो इसमें पहला फंदा जो है वो उतारना नहीं है, पहले फंदे को हमें बुन लेना है और सीधी सिलाई सीधी बनाएंगे। थर्टी फाइव फंदे मैंने इसमें डाले हैं। और उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है। तो इस तरह से हमें 8 सिलाइयां बना लेनी है, उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी सिलाई सीधी। तो अब यहां पर देखिएगा 8 सिलाइयां निकाल ली मैंने। ठीक है, तो ये वाला बॉर्डर हम 8 सिलाइयों से बनाएंगे, तो देखते हैं कितना चौड़ा बनेगा। अब 8 सिलाई बनाने के बाद ये 9वीं सिलाई है। पहले फंदे को हमें बुनना है, धागा आगे करना है और 2 फंदों का हमें सीधा करके एक बना देना है। ठीक है, फिर से देखिएगा, धागा आगे करना है, 2 फंदों को सीधा करके बनाना है, एक बना देना है, बस यही करना है पूरी रो में। ये देखिएगा, तो इससे हमारा फंदा जो घट रहा है वो साथ के साथ में बढ़ भी रहा है। तो 35 फंदे हमने डाले थे तो हमारे 35 फंदे ही रहेंगे।
ये देखिए धागा आगे, दो फंदों का एक बनाना है मगर सीधा करके, फिर धागा आगे, फिर दो फंदों का एक सीधा करके। धागा आगे, दो फंदों का एक अब लास्ट में हमारे दो फंदे आ रहे हैं, तो धागा आगे करके हमें इन दोनों को एक बना देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक फंदा आता हमारा तब हम क्या करते, तब हम इसको धागे को आगे नहीं करते, नहीं तो हमारा एक फंदा बढ़ जाता। अब यहाँ पर हमारे दो थे तो इसलिए हमने ये इसको एक बनाने के लिए धागा आगे कर दिया। ठीक है, आप उल्टी सिलाई में क्या करना है, पूरी सिलाई को उल्टी बनाना है। ये उल्टी सिलाई बनाने से पहले हमें यहाँ पर कंफर्म कर लेने कि हमारे 35 फंदे हमने डाले थे तो 35 ही होने चाहिए। कई बार बिगनर्स क्या करते हैं ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फंदे या तो एक कम हो जाता है या फिर एक बढ़ जाता है, तो वो कंफर्म कर लेना है हमें, उसके बाद ही हमें ये उल्टी सिलाई बनानी है। ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये 8 सिलाइयाँ बनाई हैं, अब इसके ऊपर हम 8 सिलाइयाँ और बना लेंगे। तो जब हमारा अब ये 8 सिलाइयाँ जो हमारी सिंपल वाली काउंट होंगी वो यहाँ से होंगी, ये हमारी पहली रो है। दो सिलाइयाँ हमारी इस जाली में चली जाएंगी और 8 सिलाइयाँ अब हम बना लेंगे।
ये फर्स्ट रो थी। अब इस तरीके से मैं 8 सिलाइयां बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या करना है। तो ये देखिएगा, ये 8 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। 8 यहाँ पे बनाई हमने, 2 सिलाइयां हमने ये बना दी बीच में, और 8 हमने फिर से बना दी। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे। इस तरफ आ जाएंगे और पीछे की साइड से फंदे उठाने शुरू करेंगे। जो फंदे हमने डाले थे वही अब हम इसमें उठा लेंगे। ये देखिए, ये जो फंदे हमने नीचे डाले थे ना, ये सिंगल धागे से हमने इसीलिए डाले थे क्योंकि ये हमें उठाने होते हैं बाद में। तो बहुत आसानी से उठ जाता है ये, जो हमारी लाइन पूरी सीधी बनी हुई है फंदों की, इसी को हमें उठा लेना है। और अब एक बार हमें इसे चेक कर लेना है, क्योंकि अगर हमारा फंदा कम ज़्यादा होगा तो अभी हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। देखिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34 और 35, ठीक है ना। ये हमारे 35 फंदे नीचे से उठ गए। अब हम इसको करेंगे डबल, ऐसे उल्टी साइड दोनों की ऐसे अंदर आ जाएगी ये इस तरह से। और अब हम इसको घटा लेंगे। घटाना नहीं है, एक फंदा आगे से लेना है, एक फंदा पीछे से लेना है ऐसे, और इसको बुन लेना है। फिर से देखिएगा, एक फंदा आगे वाला लेना है, एक फंदा पीछे वाला लेना है और इसको बुन लेना है। एक फंदा आगे वाला, एक फंदा पीछे वाला। बहुत ही आसान है, मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, और देखने में भी इतना अच्छा लगता है कि आप किसी भी स्वेटर में इसको बनाइए।
ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारा बन गया। तो लग रहा है ना बहुत सुंदर, ये उल्टी साइड से हो गया, ये देखिएगा बहुत ही सुंदर लगता है। चौड़ाई आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ये मैंने आपको तीनों तरह से बनाकर बता दिया है। ये 8 सिलाइयाँ इसमें बनाई हैं, तो ये 8 सिलाइयों से इतना चौड़ा बन गया है, और ये 6 सिलाइयों का है, ये देखिएगा ये 6 सिलाइयों से बनाया है, और ये बनाया मैंने 4 सिलाइयों से। तो जिस हिसाब से आपको यूज़ करना हो उस हिसाब से आप चौड़ा बना लीजिएगा, और भी चौड़ा बनाना है तो और भी चौड़ा आप इसके सिलाइयाँ बढ़ा लीजिएगा, 12 कर लीजिए, 15 कर लीजिए, तो चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक ज़रूर कीजिए कर दिया करें प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।